कि डीएम साहब और डीएसपी साहब दो गो पर आरोप हम लोग का है कि जब फिजिकल के समय बायोमेट्रिक सिस्टम जो आधार कार्ड से मिलाया जा रहा था वहाँ केवल नाम देखा जा रहा था, डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा, किसी को डेट ऑफ बर्थ गलती था, किसी को नाम था, तभी उसको साथ भी दौड़ाया गया। हम लोग उन लोग का आधार पर जो भी हो आरटीपीसी के आधार से कॉलेज या स्कूल से डॉक्यूमेंट्स निकाला गया जिसमें फर्जीवाड़ा ही कला, वो फर्जीवाड़ों को डीएम साहब डीएसपी साहब को देते रहे हैं कि अभी लोग अभी तक उस पर कोई बात विचार न, उन लोग का हटाने का कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं चला। मेरी मौजूदगी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के पास से जहां पर तमाम फरियादी आ रहे हैं, वहीं तमाम फरियादियों को निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। वहीं बता दें आपको कि होमगार्ड के फरियादी जो है वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को भी निराश होकर जाना पड़ेगा। फरियादी हैं, बात करेंगे, होमगार्ड के ये अभ्यर्थी हैं, करीब बता दें आपको कि 2011 से परेशान चल रहे हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली कराई जाए। 2011 के अभ्यर्थी होंगे। हाँ, 2011 के वैकेंसी हुई है, फरवरी में लिया गया 2022 में, जिसमें हम लोग का यही कहना है कि डीएम साहब और डीएसपी साहब दो गो पर आरोप हम लोग का है कि जब फिजिकल के समय बायोमेट्रिक सिस्टम जो आधार कार्ड से मिलाया जा रहा था वहाँ केवल नाम देखा जा रहा था, डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा, किसी को डेट ऑफ बर्थ गलती था, किसी को नाम था, तभी उसको साथ भी दौड़ाया गया। जब वहाँ होला के बाद फिजिकल जब मेडिकल सब फिट हो गया तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किया गया, उसके बाद चयनित किया गया, मेरिट लिस्ट लगाया गया। जब मेरिट लिस्ट के अनुकूल जब सबको ज्वाइनिंग कराया गया, हम लोग उन लोग का आधार पर जो भी हो आरटीपीसी के आधार से कॉलेज या स्कूल से डॉक्यूमेंट्स निकाला गया जिसमें फर्जीवाड़ा ही कला, वो फर्जीवाड़ों को डीएम साहब डीएसपी साहब को देते रहे हैं कि अभी लोग अभी तक उस पर कोई बात विचार न, उन लोग का हटाने का कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं चला। क्या कह रहे हैं अधिकारी से मिल रहे हैं? अधिकारी कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि आठवां फर्जी न है, पाँचवा को उससे मांगेंगे। आप लोग कब के हैं? हम लोग 2011 के हैं, आठवां बोल रहे हैं। कब कब की लोगों की बहाली हो गई है? यानी देखिए, जिसमें 2001, 2003 आठवां बोर्ड थी, उन लोग आठवां बोर्ड का मार्कशीट मांगा जाए, सब दो नंबर वाला सर्टिफिकेट, ऐसा भी विद्यार्थी जिसको 21-22 को कभी तो मार्कशीट नहीं मिला हुआ है। यानी जो अथी रियली उम्र पर फॉर्म भरे हम लोग, सर सबका सब हम लोग यहाँ रह गए, जितना फर्जी जितना 4 लाख 5 लाख डीएसपी वहाँ का अथी पैसा ले लेकर सब फर्जी वाला। कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? एकदम लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं सर। हम लोग का उम्र देखा जाए आज 35 साल 34 साल 48 साल तक, देखिए यही आदमी का, देखिए 48 साल के हो गए जी, तब पर भी 2022 में ही दौड़ निकाल लिए, मेडिकल तक फिट हुए, 10 अंक लिए हुए हैं, ऐसा ऐसा आदमी को न हुआ। क्या कहा जा रहा है जब विभाग में जा रहे हैं आप लोग? विभाग में जा रहे हैं तो यही तो बोल रहा है कि 1 महीने के बाद लेंगे, 10 दिन के बाद लेंगे, नवंबर में आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, तो हम लोग कीजिएगा, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए हैं, यहाँ भी निराश होना, निराश तो होने पड़ेगा। फिर लास्ट में हम कहाँ जाएंगे? फिर हम लोग लास्ट में हाई कोर्ट पकड़ेंगे और क्या करेंगे? 40-45 वर्ष के बीच में हम लोग उम्र हो गया, एज भी नहीं है कि दूसरा मैंने अभ्यर्थी जी। हाँ, मेडिकल फिजिकल सब मेडिकल सब फिट है, वेटिंग में है, 1 नंबर को लिया गया, 12 नंबर 13 नंबर हम लोग अभी बाकी हैं, मर्डर केस भी है, करेक्टर देते हुए भी इसको योगदान मैंने जो आइनिंग से बुला कर फिर दोबारा डीएसपी साहब इसको योगदान भेज दी, इसी से हम लोग का मतलब है कि जो भी हो मोटा रकम लेके हुए अपने बहाल कराए हुए हैं, जिसका प्रूफ है साथ में, जो हम लोग अभी 5-7 को प्रूफ रखे हुए हैं, तभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग कीजिएगा? हमारी मांग पूरा किया जाए कि जो बहाली गलत लिया गया है, हमारा इसमें है कि मर्डर कर खुद मर्डर किया है हमको, और वो आदमी आज नौकरी कर रहा है पैसा का बदलत है, अर्जुन कुमार यादव। आपका मर्डर कहाँ हुआ? औरंगाबाद बिहार में, अमरपुरा गांव में। आपका मर्डर भाई है? भाई के नाम मेरा भी हुआ, मेरा भाई का भी हुआ, दिखा देते हैं, चिन्ह दिखा देते हैं, देखिए चिन्ह दिखा दिए, आप पे हमला किया गया था। क्या नाम है आपका सर? मेरा ईश्वरी पाल नाम हुआ। कहाँ से हैं? औरंगाबाद जिला। क्या मांग क्या है? मांग किया है कि जो वेटिंग में लिस्ट में जो लइकन जो है उसमें सबको लइकन को नौकरी दिया जाए, जो वेटिंग लिस्ट में जो नाम जो है, जितना लइकन जो आए हैं वेटिंग लिस्ट में उस सबको बहाली किया जाए।
कब तक तमाम प्रक्रिया पूरी होगी आप? ये सब तो अभी तो पता नहीं चल रहा कि कब तक, खाली ये सब भटका रहे हैं कि अब कोई एक महीने के बाद होगा, दो महीने के बाद होगा। कितने अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार में? पूरा बिहार तो इसे बता नहीं सकते हैं, औरंगाबाद जिला में 400 ऐसा कुछ है। 400 कुछ है। आप लोग चयनित अभ्यर्थी? हाँ, चयनित अभ्यर्थी हैं। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार? मुख्यमंत्री जी को यही कहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी वेटिंग वाले हैं, वो सभी को ले लिया जा चुके। हम लोग का एज तो खत्म हो चुका है, एज तो बचा नहीं है। ताकि तमाम फरियादी हैं, ये जो हैं अभ्यर्थी हैं, और कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि हम जिस तरीके से परेशान चल रहे 2011 से, हमारी जल्द से जल्द बहाली की जाए। वहीं तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं 2011 से परेशान चल रहे हैं। बता दें आपको कि 2011 में ही ये लोग पास हो गए थे, और कहीं ना कहीं पास होने के बाद लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है। बता दें आपको कि ये लोग होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, और लगातार ये हम मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली जल्द से जल्द की जाए, फर्जीवाड़ा हुआ है इस वैकेंसी में। वहीं तमाम आरोप लगाते हुए यह साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम मिलने आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। अगर नहीं मुलाकात होता है तो आने वाले दिनों में हम हाईकोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर हम गुहार लगाएंगे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।